हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आल एजुकेशन में। तो आज हम आपको बताएंगे टाटा पावर स्किल डेवलपमेंट में, जो कि यहाँ पे आपके लिए बहुत से कोर्सेस निकाला गया है आईटीआई बीटेक डिप्लोमा लोगों के लिए। जिसमें हम आपको आईटीआई लोगों को बताएंगे कि कैसे आपको इस पर रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करके एक बढ़िया सा कोर्स पा सकते हैं। अगर इसमें आप कोर्स कर लेते हैं तो इसमें आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा, और फ्यूचर में कभी भी आपको यहाँ पर टाटा पावर में जॉब निकलता है तो आपका सबसे पहले सिलेक्शन होने का चांस है। तो चलिए हम इसमें बताते हैं कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, क्या क्या कोर्सेस है, किन किन ट्रेड वालों के लिए इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो आप पूरा कंप्लीट देखिए, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए मैं आपको एक एक करके बताते हैं और इसमें कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। देखिए, जैसे आप इस वीडियो के लिंक में इस लिंक दे देंगे इस पेज का, और जैसे ही इस पर आएंगे तो आपको सामने एक ऐसा बैनर देखने को मिलेगा यहाँ पे 16 एनर्जी सिस्टम का करके आ रहा है। तो इस पर आपको क्या करना है, बैक कर देना है। यहाँ पे बैक करने के बाद से यहाँ पे देख सकते हैं कि ट्रेनिंग फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए है। यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, यहाँ पे आईटीआई वालों के लिए देख सकते हैं, यहाँ पे आईटीआई वालों के लिए है यहाँ पे, और कुछ यहाँ पे देख सकते हैं आप ग्रेजुएट और यहाँ पे डिप्लोमा वालों के लिए। तो चलिए मैं इसमें नीचे आएंगे, हम आईटीआई वालों के लिए यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे आप यहाँ पे तो देखिए आप नीचे आना है, और यहाँ पे अपना ट्रेड भी देख सकते हैं कौन कौन से ट्रेड वाले हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जनरल वेल्डर, फिटर, मैकेनिकल, यहाँ पे बहुत से ट्रेड दे दिए गए हैं। नीचे आएंगे हम, यहाँ पे देख सकते हैं सोलर पीवीसी का है, यहाँ पे डोमेस्टिक का है, वायरमैन इलेक्ट्रिशियन का है। तो यहाँ पे जिन जिन ट्रेडों का है यहाँ पर वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है इसके बारे में पूरा फुल प्रोसेस हम बताएंगे, और इसमें अगर आप ज्वाइनिंग करते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा बड़े बड़े कंपनी में। अगर आप भी जाना चाहते हैं, कुछ देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो बिल्कुल आप लोग रजिस्ट्रेशन करिए। कैसे रजिस्ट्रेशन करना, चलिए इसके बारे में बता दे रहे हैं कि आपको आना है, इसमें बैक आना है, होम पेज पे आना है। फिर से होम पेज पे आने के बाद से आपको नीचे आना है। उससे पहले आप लोग पूरा इसको नोटिफिकेशन को रीड कर लेना है, जो भी आप लोगों को टर्म कंडीशन दिया गया, क्या क्या इसमें आपको सिखाया जाएगा आप उसको रीड कर सकते हैं। उसके बाद से नीचे आने के बाद से यहाँ पे देख सकते हैं कोर्स रजिस्ट्रेशन के बारे में दिया गया, इसी पे आपको क्लिक करना है। कोर्स रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पे बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। सबसे पहले आपको यहाँ पे फुल नेम सेलेक्ट कर लेना है, अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे अपना ईमेल आईडी, उससे इधर आपको आना है तो अपना डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेना है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर, और यहाँ पे देख सकते हैं आप हायर क्वालिफिकेशन भी दिया गया। तो जो भी आपके पास है यहाँ पे आईटीआई डिप्लोमा ग्रेजुएट आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आईटीआई पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद से नीचे आने के बाद से देखिए यहाँ पे आपको ऑफलाइन भी सिखाया जाएगा। जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो आप लोग यहाँ पे बुला के ऑफलाइन भी सिखाया जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं मुंबई का दिया गया है, यहाँ पे झारखंड, गुजरात, यहाँ पे कई थे ऑप्शन दे दिया गया है। उसके बाद से नीचे आने के बाद से यहाँ पे क्या करना है, आपको प्रेफरेंस सेलेक्ट कर लेना है आप किस में आप इंटरेस्टेड हैं। जिस जो भी आपका ट्रेड रिलेटेड है उसमें आप इंटरेस्टेड है उसको सेलेक्ट कर लेना, नहीं तो आपको अदर सॉफ्ट स्किल पे आपको बेसिक आईटी पे क्लिक कर लेना। अगर आईटी वाला है तो इसमें भी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। उसके बाद जो आपको कैप्चा दिख रहा है इसको इसमें फिल करके सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा कि थैंक यू फॉर इंक्वायरी के लिए आपको फिर कॉल या एसएमएस द्वारा आपको फिर से बुलाया जाएगा। एसएमएस और कॉल के थ्रू आपको फिर से आगे की जानकारी दी जाएगी। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट करके पूछिए, वहाँ पे हम आपको रिप्लाई दे देंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।